बड़ी खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां मनरेगा कार्यों में हो रही देरियों पर जनपद के समस्त प्रधानों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। जनपद में नेटवर्क की समस्या के कारण, जाओ टैग एवं कई तकनीकी कारणों से वे सभी परेशान हैं। उत्तरकाशी से दीपक नोटियाल की रिपोर्ट। मनरेगा को लेकर आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज तमाम विकास खंडों के प्रधान, जिला मुख्य विकास अधिकारी एवं DDO उत्तरकाशी के साथ बैठक की, और जिसमें प्रधानों ने विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया और ब्लॉक विकास खंडों में जो मनरेगा के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, कि दिन प्रतिदिन जटिल होते जा रहे हैं और तमाम कहीं ना कहीं ये खामियां रहे हो, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी जी ने इसको गंभीरता से लिया और सख्त हिदायत दी कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उस कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर ग्राम प्रधानों ने 8 दिन का टाइम दिया है, 18 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि यदि मतलब इसमें कोई सुधारीकरण नहीं होता है तो ग्राम प्रधानों ने अपनी समस्त बस्ता जमा करने का निर्णय लिया है। प्रधान संगठन के द्वारा मनरेगा में आ रहे विभिन्न मुद्दों पर बात की गई, उसमें उनका सबसे मुख्य मुद्दा है NMMS मॉनिटरिंग, जिसको 1 जनवरी से लागू किया गया है। उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्र में नेटवर्क न होने के कारण एग्जेम्पशन की मांग की गई है, जिस पर प्रधान संगठन को बताया गया है कि यदि इसमें वीडियो सर्टिफाई करके देखें तो उसको एग्जेम्पशन हासिल नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त मनरेगा में जो एस्टिमेट आते हैं उनको समय सीमा के अंतर्गत PS और AS करने की बात भी कही गई है। इसके संबंध में भी प्रधानगणों को आश्वासन दिया गया है कि एक एक एस्टिमेट को स्वयं DDO के द्वारा चेक किया जाएगा और यदि समय सीमा के अंतर्गत ब्लॉक से नहीं भेजा जाएगा तो दंडात्मक कार्रवाई भी ब्लॉक से की जाएगी। एक अन्य विषय उनके प्रधान संगठन के द्वारा उठाया गया है, तो क्षेत्रीय हमारे DPO मनरेगा के कार्य और शैली को लेकर भी उठाया गया है। इस संबंध में भी उनको आश्वासन दिया गया है, सभी DPO का स्पष्टीकरण लिया जाएगा, स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने की अवस्था में तो दंडात्मक कार्रवाई भी। सर एक और मामला आ रहा है।